Hey beautiful, welcome to my channel, Beauty Take Care. अगर आप नई हो, तो आज मैं आपसे ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ तीज और करवा चौथ जैसे त्योहारों पे आप घर पर ही पार्लर से ज्यादा सुंदर तैयार हो सकते हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ कलर बार का प्राइमर का प्राइमर हमारे फेस पे पोर्स में मेकअप नहीं जाने देता है प्लस हमारे फाउंडेशन को बहुत ही अच्छा और स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड करता है सेकंड मैं यहाँ पे फिटमी मेविलीन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मेरी स्किन बहुत ऑयली है इसलिए मुझे ये बहुत सूट करता है क्योंकि ये लॉन्ग लास्ट रहता है प्लस फुल कवरेज प्रोवाइड करता है ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर हो तो आप उससे भी अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा मैंने बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लिया है ताकि ज़्यादा पैची ना हो फिर मैं यहाँ पे इन साइड की कंसीलर प्लस ब्राउन्जर की ये स्टिक यूज़ कर रही हूँ इसमें दोनों ही चीज़ें एक साथ रहती हैं पहले मैंने ब्रॉन्ज़र कर लिया फिर मैं अपने डार्क स्पॉट्स को हाइट करने के लिए यहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ अपने आइज़ के आसपास और अपने लिप्स नोज के आसपास लगा लिया फिर मैं इसको ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी पैची ना हो जितने अच्छे से ब्लेंड होगा उतना अच्छा और स्मूथ मेकअप आपका होगा तो मैंने अच्छे से अपने आईज के आसपास और जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया है अच्छे से ब्लेंड कर लिया सबसे पहले कंसीलर को ब्लेंड करना है देन ब्राउन्जर को ताकि पहले लाइट फिर डार्क फिर मैंने यहाँ पे अपनी आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज को कवर कर लिया है ये बहुत ही पेशेंस वाला काम होता है उसके बाद आई शेडो आई शेडो मैं यहाँ पे पिंक कलर का कर यूज़ करूँगी क्योंकि पिंक इज़ माई फेवरेट आपकी ड्रेस जिस कलर की हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना आई शेडो चूज़ कर सकते हो बहुत ज़्यादा शिमरी लुक नहीं दिया है मैंने इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पार्कल वाला नहीं बट शिमर वाला यूज़ करा है यहाँ पे आई शेडो जिससे थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक आ जाए आप मेक श्योर sure अपने कलर की अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग कलर चूज़ करिएगा फिर मैं आईज के नीचे भी कर ले रही हूँ क्योंकि क्योंकि उससे आई शेडो बहुत ही खिल के आता है मैंने पिंक शेड ऊपर लगाया था तो मैं पिंक शेड ही नीचे लगा रही हूँ आप जो सा ऊपर यूज़ करिएगा वही नीचे यूज़ करिएगा इससे आईज बहुत पॉपअप लगती हैं उसके बाद मैं यहाँ पे लैक्मे का केक काजल प्लस लाइनर यूज़ कर रही हूँ और मैं उसे अपने पुराने तरीके से आईलिट पे लगाते हुए अच्छे से कवर कर लूँगी फिर यहाँ पे मैं लेकमे का ही लाइनर यूज़ कर रही हूँ अगर आपको पतला लाइनर अच्छा लगता है तो आप पतला लगाइएगा मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोटा लगा रही हूँ थोड़ा सा पार्टी लुक देता है मोटे लाइनर से और आइज़ बहुत पॉपअप लगती हैं फिर मैं यहाँ पे फेसिस कैनेडा का मस्करा यूज़ कर रही हूँ गाइज मैं फॉल्स आई नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि एक बार मेरी आईज़ में गम चला गया था उसके बाद मैं मस्करा से ही अपनी लैशेस कंप्लीट कर ले रही हूँ फिर मैं यहाँ पे शुगर का ब्लश ले रही हूँ गाइज ये छोटा सा है कॉम्पैक्ट सा है बट बहुत अच्छा लुक देता है इससे अच्छे से ब्लश करने के बाद मैं इसी ब्रश से हाइलाइटर कर ले हाइलाइटर लेके अपने हाई लाइट कर ले रही हूँ अच्छे से फेस को ताकि शाइन बन नहीं रहे फिर मैं लिपस्टिक को अच्छे से कवरेज देने के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि गाइस इसमें मरून लिपस्टिक लगाऊँगी तो मैंने उसी कलर का लिप लाइनर यूज़ किया है आप भी ऐसा ही करिएगा इससे आपकी लिपस्टिक बहुत ही अच्छे से लगती है और मेरा लिप लाइनर भी ट्रांसफ़र प्रूफ था और मैं ये सेवन हेवन की लिपस्टिक बुलेट लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ बट ये भी ट्रांसफर प्रूफ है अच्छे से क्योंकि आप न्यूली वेड हो तो रेड लिपस्टिक मंडेटरी थोड़ी सी बिंदी लगा ली और ये मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है मैं बिल्कुल रेडी हूँ पार्टी या तीज करवा चौथ जैसा भी फेस्टिवल हो आप ये लुक अपना घर में रेडी कर सकते हो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़ थैंक यू बाय to like comment and share my video as much as you can bye beautiful take care.